गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप घर पर ठीक ठाक और खुशी से रह रहे होंगे। आशा है कि आप अपने जो स्कूल से कार्य मिलता है उसको पूरी तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं, और मैं जो एक कोरोना क्वेश्चन करवाता हूँ इसको भी आप ढंग से पढ़ते होंगे, याद करते होंगे कंपटीशन के लिए। चलो आगे के दो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सरकार ने 9वीं व 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की थी? पहला ऑप्शन है ब्राइट ड्यूटी, बी ऑप्शन है ब्राइट फ्यूचर, सी ऑप्शन ब्राइट पाथ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा सरकार ने जो ऐप लॉन्च की है उसका नाम है ब्राइट ड्यूटी। 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए लॉन्च की गई है, एनसीईआरटी की और सीबीएसई पैटर्न पे जो बुकें हैं उनके सॉल्यूशन वगैरह पेपर वगैरह इस पर मिलते हैं। ये ऐप गोयल ब्रदर्स प्रकाशन के साथ मिलकर बनाई गई है। कौन सी? 9वीं 10वीं कक्षा के लिए ब्राइट ट्यूटी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस के कारण हरियाणा सरकार ने ई लर्निंग के लिए कौन सी वेबसाइट बनाई है जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो और घर पर ही पढ़ सकें? पहला ऑप्शन है www.haryanaeduset.com, बी ऑप्शन www.haryanagyan.com, सी ऑप्शन है www.haryanacareer.com और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हरियाणा सरकार ने ई लर्निंग के लिए एक वेबसाइट बनाई है जिस पर चैनल चलते हैं। उसका नाम है www.haryanaeduset.com। चैनल्स के द्वारा अलग अलग क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती है और इस वेबसाइट पर सुबह एएम से ट्वेल्व पीएम तक किसी भी टाइम आप चलाओ देखोगे तो आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित ही कार्य मिलेगा। कोरोना वायरस के कारण ई लर्निंग ऐप कौन वेबसाइट कौन सी चलाई है? हरियाणा eduset.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर से पढ़ाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो ये इसका सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने घर से पढ़ाओ अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन में केवल टीवी के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? लॉकडाउन में केवल टीवी के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है पंजाब। हमारे यहाँ पर है हरियाणा, इसका सही उत्तर है पहला राज्य है जो केवल टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए चैनल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? पहला ऑप्शन है संपर्क बैठक, बी ऑप्शन संपर्क विद्यार्थी, सी ऑप्शन संपर्क ज्ञान, डी ऑप्शन इनमें से
कोई नहीं। तो हरियाणा सरकार ने प्राइमरी बच्चों के लिए जो ऐप लॉन्च किए वो है संपर्क बैठक जो ऐप है वो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के को पढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने COVID-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन नागालैंड। तो COVID-19 जो पोर्टल आरंभ किया है वो है आंध्र प्रदेश राज्य ने COVID-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COVID-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ए पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य है जिसने रैपिड टेस्टिंग की है। रैपिड टेस्टिंग का मतलब है जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का पता लगाना। और राजस्थान सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य भी है। राजस्थान कौन सा है सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है। पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन अमेरिका और डी ऑप्शन है जापान। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जापान। जापान वह देश है जिसने हर घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। यहाँ जो मध्य प्रदेश हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपये कोरोना रोगियों को देने की घोषणा की है। किसने की है? मध्य प्रदेश राज्य ने 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। लास्ट क्वेश्चन है किस सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है पंजाब। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार है उसने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। किसकी? ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। आशा आपके क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।